नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। 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 बलुआ मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलुआ मजदूरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 70 महीने का बकाया अभी दो, अभी दो, अभी दो। 70 महीने का बकाया अभी दो, अभी दो, अभी दो। 70 महीने का बकाया अभी दो, अभी दो, अभी दो। ये क्या गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये क्या गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये क्या गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये क्या गवर्नमेंट हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। ये क्या गवर्नमेंट हाय हाय। ये कोई मजा नहीं आया, मेरी आवाज थोड़ा बहुत ज्यादा है, एक बार जोर देना। साथियों ये नहरे, ये जज्बाती नहरे, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। शोषण बंद करो, बंद करो, बुजुर्गों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिगड़ो बल बकल से, बिगड़ो बेमानु से। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। लाल लड़ाएगा, इंकलाब आएगा। लाल लड़ाएगा, इंकलाब आएगा। ताकि उस ओर से मेरी आवाज आपकी आवाज से जाने, आवाज दो। मेहरबानी करके थोड़े आगे पीछे इधर आ जाओ।
618 दिन से हम लगातार एजिटेशन में है। उसका मुख्य कारण यह है कि एसआरओ छोड़ के तहत हमें रेगुलर पार्सी दी जाए और बत्र बत्र महीने का बकाया वेतन और ड्यूटी टूटे हुए 2.5-3 साल हो गए, ड्यूटी का हमें कोई वेतन नहीं मिला। हम एलजी प्रशासन को जब भी कहते हैं वो सेवा आश्वासन को और सेवा कमेटी के हमें कुछ नहीं दिया गया है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो एलजी प्रशासन की तरफ से हो। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकाले जा रहे हैं, हमें मात्र 9000 रुपये दिया जाता है, इस 9000 से हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता है और ना ही हमारे बच्चों का जो गुजारा चलता है ना ही उन्हें एजुकेशन मिलती है। हमें 25-25-30-30 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं हमने और सेवा डिपार्टमेंट बंधुआ मजदूरी करवाना चाहता है। जो हमें 7 साल में रेगुलर पार्सी मिली थी आज हमारे 20-25-30 साल साथी, कुछ साथी हमारे रिटायर चले गए, जैसे पीछे ओमकार सिंह जी कल परसों रिटायर गया 29 तारीख को, बेचारा रोते हुआ घर में गया है। ना ही ये डिपार्टमेंट 72 महीने का बकाया वेतन देता है और ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी दी है। अगर इस डिपार्टमेंट को चला रहे 80% लोग 85% डेली वेजर है और 15% जो है वो परमानेंट मुलाजिम है, सारा डिपार्टमेंट खाली दिन ब दिन खाली हो जा रहा है। पीटीटी के 500 बंदा परमानेंट कर रहे हैं, हर साल उनका परमानेंट हो रहा है और हमें हमारे साथ वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये जो हम प्रोग्राम रखा है आज का, जो हम एलजी प्रशासन को जो बताना दे देते हैं कि अगर हमारी पॉलिसी नहीं दी गई तो ये साथी फिर बड़ा आंदोलन करने को तैयार हैं। अगर पानी बंद होता है या लाइन आर्डर की प्रॉब्लम होती है, ये प्रोग्राम हमने पिछले 9 फरवरी को किया था प्रोग्राम, उसने सब बताया था और एलजी प्रशासन अभी भी गहरी नींद में सोया है। बीजेपी तरफ से कमेटियां बनाई जाती हैं, जब भी कोई कुर्सी में हमारे यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर बात करने के लिए जाते हैं तो सिवा आश्वासन के हमें कुछ नहीं दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर की जो 618 दिन से लगातार एजिटेशन चल रही है अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं है। ये बंधुआ मजदूरी करवाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को एजुकेशन से पीछे ही रखना चाहते हैं। जय हिंद जय भारत। हमने पिछले 620 दिन से लगातार सरकार को अपील की है, अब अपील नहीं है, अब सरकार को चेतावनी है। अगर ऐसा 61 तक रेगुलर प्रोसेस आज ही अनाउंस करेंगे तो ये धरना प्रोटेस्ट रुकेगा, नहीं तो ये कंटिन्यू रह सकता है। अब हम पीछे हटने का सवाल नहीं है, सरकार ने लॉलीपॉप दे दे के इलेक्शन तक हमको पहुंचा दिया। अब हम लोग बहुत परेशान है, अपनी परेशानी अब घर नहीं लेके जाएंगे, ये परेशानी सरकार को देंगे। जम्मू की सड़कों पे अब रोज लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, उसकी सर रिस्पांसिबिलिटी एलजी साहब की होगी और उनके नीचे जितने ऑफिसर हैं जो बार बार ये कहते हैं आप रीढ़ की हड्डी हो, आप डिपार्टमेंट चला रहे हो और 90% आप काम कर रहे हो। एक कोविड में काम लेने के बाद भी आज हमको दर दर किया जा रहा है, हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, हमारे लोग फाका किसी शिकार है। अब पीछे नहीं हटा जाएगा, वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।